खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शक सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूँ जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और लगातार जो है हरियाणा की छोटी बड़ी अपडेट आप सबके सामने ले आया करा, दिखाया करा, बताया करा। और जो है 8 तारीख के बाद में जब तक चुनाव परिणाम घोषित होया है हरियाणा के अंदर, उसके बाद में अपने चैनल के ऊपर कई दिन हो गए थे वीडियो नहीं आई थी। कई भाई जो है फ़ोन के द्वारा मैसेज के द्वारा पूछे थे कि भाई क्या कारण होया कि आप जो है वीडियो नहीं डाल रहे। तो आवाज़ तो भी आपने पता चलता और थोड़ी सी तबीयत डाउन थी और उसके चलते मैं वीडियो नहीं ले आ पाया। लेकिन पहली वीडियो जो दोबारा मैंने जो है सेकंड पारी की सेकंड इनिंग की जब शुरुआत करी है, तो सारे जितने दर्शक मेरे जुड़ रहे हैं सब खातर खुशखबरी लेकर आया हूँ, क्योंकि वह शायद प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आप सब न प्रभावित करेगी, आपका जीवन न प्रभावित करेगी। एक जमींदार का भाई एक बात होया करे, जिस टाइम पर फसल ख़राब हो जाए पहले तो इंतज़ार हो कि भगवान जो राज्य रहेगा और राम जो है बरसाएगा तो फसल अच्छी होगी, लेकिन अगर ख़राब हो जाए तो उसके बाद में सरकार की तरफ किसान देखा करे कि सरकार जो है इसका अर्जाना दे दे ताकि मेरा काम चल जाए। बात जो है पीछे मैंने वीडियो बनाई थी कि जो हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री हैं जयप्रकाश दलाल जी, उन्होंने घोषणा करी थी कि भाई जो है 150 करोड़ बीमा जो है भिवानी जिला का पारित होया है, मंजूर होया है और वो जो है बहुत जल्दी खाते में आ जाएगा। लेकिन कुछ टेक्निकल एरर रहे थे जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया था। उसके बाद में किसान भाई अनुभूत जी कि भाई के कारण हो गया कि मतलब अब तक नहीं आया है, घोषणा तो बहुत पहली हो चुकी थी, चुनाव तो पहले की बात थी, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण जो है वो बीमा ख़त्म नहीं आ पाया। उसके बाद में हरियाणा ने जो है भाई चुनाव परिणाम जब घोषित हुए तो एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी का, नायब सिंह सैनी सरकार का जो है, भाजपा का फिर तक कार्यकाल शुरुआत होगी, तीसरी बार फिर हरियाणा सरकार भाजपा सरकार बनी। और उसके बाद में जैसा नायब सिंह सैनी जी ने पहली घोषणा करी थी कि भाई काम होंगे, तो वह चीज़ आप देखने में मिली है कि जैसे ही भाजपा सरकार तीसरी बार अपना हरियाणा में आई है तो जो घोषणाएं करी थी वो शुरुआत कर दी है। और जो किसान भाई मेरे जुड़ रहे हैं जो मैंने देखने ला रहे हैं उन खातिर खुशखबरी है। और जो किसान भाई नहीं है तो वह अपने रिश्तेदार द्वारा चाचेताओं भाइयों द्वारा भेज सके हैं कि जो 2023 का खरीफ का बीमा मंजूर होया था, कपास का जो बीमा मंजूर होया था, वो भाई आपके खाते में आ गया है, आप खाते चेक करो। और अगर मैं बात करूँ तो मेरे द्वारा 2-3 किसान भैया ने जो है स्क्रीनशॉट भेजे हैं खाते की, तो अगर मैं बात करूँ तो 18,000 रुपये जो है 18,125 तकरीबन बीमा मेरे गांव का मंजूर होया है, मिरान गांव का। और अलग अलग गांव में जो है अलग अलग तरीके से या अलग अलग रेट हो सका इस चीज़ का, लेकिन मेरे गांव की मैं बात करूँ, मेरे जन्मस्थल की बात करूँ तो 18,100 कुछ भाई जो है बीमा मंजूर हुआ है मेरे गाँव का। तो एक अच्छी खासी रकम जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने जो है किसानों तक दी है ताकि उनका भरण पोषण दाऊँ हो सके और जो नुकसान हो गया था उसकी भरपाई हो सके है। तो यह बड़ी खुशखबरी है भाई। और जिस चीज़ का बड़े दिनों तक जो है इंतज़ार होना रहता, हर एक किसान फ़ोन के द्वारा मैसेज के द्वारा बुझना रहता कि वह कद आओगा, तो वो अब आ गया आपके खाते में। और आचार संहिता का नहीं आ पाया था, जिस भाई ने नहीं मेरा उस द्वारा वीडियो शेयर कर दो भाई। और जो है आप भी अपने स्क्रीनशॉट और बताइए कि आपके गाँव में कितना बीमा मंजूर हुआ है, कितना खाते में आया है, और फ़ोन चेक कर लो मैसेज आ रहा होगा। जिस भाई द्वारा मैसेज नहीं पहुंचा है तो कल सुबह जाके बैंक में पूछ लियो, तो उड़ा अपना पता चल जाएगा कि आपका बीमा आ चुका है। तो नायब सिंह सैनी सरकार का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आते ही जो है जैसे ही पारी की शुरुआत नायब सिंह सैनी जी ने दोबारा अब शपथ भी नहीं ली है और उससे पहले जो है काम शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, तो जनता का विश्वास था उस पर खरे उतरने की कोशिश है और जो है भाई शुरुआत कर दी है, अच्छे से काम होंगे। अगर नौकरी की बात करें तो भी जो है नायब सिंह सैनी जी ने जैसी घोषणा करी थी कि भाई शपथ बाद में लूँगा और पहली जो है जो बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट क्लियर कर रखे थे उन्हें नौकरी पर चढ़ाऊँगा, तो वह चीज़ भी देखी जानना रही है कि ज्वाइनिंग लेटर मतलब जो है भाई बहुत जल्दी जो है हरियाणा के जो नौजवान हैं वो अपने अपने नौकरियाँ अपने जगह पर अपने अपने महकमा में होंगे, तो बहुत अच्छी बात है और अच्छी सरकार देखने मिल रही है। इस तरह काम होते रहे तो हरियाणा बहुत जल्दी बहुत ऊँचा और बहुत आगे चला जाएगा। तो बात थी बीमे की, किसान भैया इंतज़ार था और वह चीज़ मैं लेके आया था, साइड में अपना स्क्रीनशॉट भी दिखाई दे रहा होगा जो किसान भैया ने भेजा है। और हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और बीमा मंजूर हो चुका था बहुत टाइम पहले, अब वो आ गया है तो यह भी अच्छी बात है। तो अपने अपने फ़ोन चेक कर लो और जो है भाई वो अब खाते में आ गया था वो चेक कर लो भाई, और वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो। अब की अगर मैं बात करूँ तो मैं पीछे भी जो है जब पिछली जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी उस टाइम पर भी मैंने वित्त मंत्री जी थे कही थी कि भाई जो है इस बार भी हाल बुरे हैं किसान के,
कपास की फसल इस बार भी उतनी नहीं है जितनी एक किसान की अपेक्षाएं और आग्रह हैं, तो उस चीज़ के लिए भी मैं भारतीय जनता पार्टी और नायब सिंह सैनी सरकार जो है उन तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे चैनल के द्वारा कि इस बार फिर किसान जो है वो भगवान ने तो जो है भाई फसल इतनी नहीं दी, अब सरकार की तरफ ध्यान है कि सरकार हमने जो है भाई क्षतिपूर्ति देगी। और जो विधायक बने हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, जैसे अगर मैं मेरे हल्के ही बात करूँ तो शाम तो जो बहन सुरती चौधरी जी हैं जो यहाँ तो विधायक बन के निकली है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वह भी इस तरफ ध्यान दें। और तुषाम हल्का में जो मेरे एरिया में जो खराबा हो रहा है कपास के साथ साथ अन्य जो फसलें थी वो भी जो है उस स्तर की नहीं है भाई, वह भी कम बैठने लग रही है, तो किसान परेशान है। इस तरफ भी भारतीय जनता पार्टी ध्यान दे, मेरी बहन सुरती चौधरी विधायक है वो भी ध्यान दे, और जो है भाई सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए कि उसकी भी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए किसान की, ताकि उसका जीवन सुखमय हो सके। तो बात यह थी, और साथ में आप भी बता दियो कितना बीमा जो है खत्म आ चुका है और वह बात बता दियो, और जल्द से जल्द जो है नई नई अपडेट लेके आपका शाम ही आवांगे। और दोबारा आप ही भाई सेकंड इनिंग की शुरुआत कर दी है इस वीडियो के साथ, तो इस खुशखबरी की मैं बाढ़ देखना रहा था कि जैसे ही यह खबर आ जाएगी उसके साथ आप भी दोबारा से फील्ड के अंदर होंगे और दोबारा से जो है वास्तविकता सत्यता और सच्चाई के साथ जो है जनता की आवाज़ लेके सरकार के सामने खड़े होंगे, और जो परेशानियाँ जो दिक्कतें आम जनता ना हैं तो वह भी आवाज़ उठाएंगे भाई, और उसने हल करवाने की कोशिश भी करेंगे। तब तक के लिए अपने राय कमेंट बॉक्स में दर दियो, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शक चाचे तैयार भाड़ महीनों अपने राम राम जी।